नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। झारखंड के गुमला में नक्सलियों द्वारा 15 दिन पहले कुरुमगढ़ थाने के नए भवन को बम से उड़ाने के बाद गुमला पुलिस एक्शन में है। गुमला पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम कुरुमगढ़ इलाके में नक्सलियों की तलाश। इस अभियान के तहत गुमला ऐसे डॉक्टर एहतेशाम वकारेब नक्सलियों को खोजने जंगल में घुसे। उनके साथ में प्रशिक्षु SP शुभांशु जैन, CRPF के कमांडेंट अनिल मिंज, ASP मनीष कुमार सहित पुलिस जवान व CRPF के जवान मौजूद रहे। जंगल में नक्सली जहां पनाह लेते हैं वहां अपना सुरक्षा घेरा बनाकर रहते हैं। SP नक्सलियों के मांद में घुसकर घंटों जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान वे गांव के लोगों से भी मिले। कुरुमगढ़ थाने के कोकरोंजा, बारड़े, तबेला, ऊपर डुमरी, लोटाकोना, सिविल, सकरा, उरु, कुरुमगढ़, बामदा गांव का जायजा SP ने लिया और नक्सलियों के बारे में लोगों से जानकारी ली। हालांकि क्षेत्र में कहीं भी नक्सली गतिविधि नजर नहीं आई। पुलिस को भाकपा माओवादी के 15 लाख के इनामी जोनल कमांडर रविंद्र गंजू, 15 लाख के इनामी शीर्ष नेता छोटू खेरवार, 5 लाख के इनामी खुदी मुंडा और 2 लाख के इनामी लजीम अंसारी की तलाश है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।